साथ सासा मूवी देखने के बाद आज कोई दूसरी मूवी देखी जो कि सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री से भरी पड़ी है। सो मुझे नहीं पता गाइस कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे या नहीं। इससे पहले मैं इस मूवी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, ये मूवी बहुत ही अच्छी है जो कि हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर पर बेस्ड है। मूवी का नाम है वीरूपक्ष। बहुत दिनों बाद तेलुगु इंडस्ट्री से सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री मूवी आई है जो कि आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी। बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो बिल्कुल फ्रेश है। स्टोरी बताने पर आपका थिएटर का मजाक ख़राब हो जाएगा, सो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सी मिस्ट्री पर बेस्ड मूवी आती हैं जो कि अच्छा खासा सस्पेंस क्रिएट करती हैं, लेकिन क्लाइमैक्स कुछ ऐसा छोड़ती हैं जो कि हमें सुना सुनाया लगता है। लेकिन वीरूपक्ष की स्टोरी लाइन पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टोरी लाइन बिल्कुल फ्रेश है। इसका स्क्रीन प्ले भी बिल्कुल एकदम टाइट है। इसके फर्स्ट हाफ में थोड़ा लव दिखाया गया है जो कि आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वो भी मूवी के लिए बहुत ज़रूरी था। और इस मूवी पर सभी एक्टरों ने काम भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। कोई भी आपको ऐसा आलतू फालतू कैरेक्टर नहीं दिखेगा जिसकी शायद इस मूवी पर ज़रूरत ना हो। और ये मूवी ट्विस्ट पर ट्विस्ट इतने ट्विस्ट छोड़ती है कि अभी आपको क्या बताऊँ मैं। और ये मूवी हॉरर नहीं है, सिर्फ मिस्ट्री पर बेस्ड है। हॉरर से ऊपर मिस्ट्री को रखा गया है, उसी पर बेस्ड है ये मूवी। सो गाइस मुझे तो ये 2023 की सबसे बेस्ट मूवी लगी। और मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मुझे पर्सनली अच्छी लगती है क्योंकि इस पे थोड़ा हमारा भी दिमाग लगाना पड़ता है। सो गाइस मेरे हिसाब से आप ये मूवी देखते हो तो 2023 का एक नया एक्सपीरियंस लेकर बाहर निकलोगे, जैसे कि मैं अभी तक भूल नहीं पाया। अरे भाई अब पूरे वीडियो पर मैं ही बोलता रहूँगा, अब आप भी तो बोलो आपने ये मूवी देखी है तो कैसी लगी, फटाफट से कमेंट करके बताओ नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार।